यही क्या कर रही है यही? आपने अपने नाम की जगह पे गुलबदन का नाम कहाँ लिख दिया? अरे इसलिए कि मैं ही हूँ गुलबदन। क्या कह रही है आप? गुलबदन कैसे हो सकती हैं? आप तो चमेली है ना। अरे भाड़ में गई चमेली, कोई बहन बहन नहीं है मेरी चमेली। बेशरम बेगैरत बेहुदा इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरी शादी करते हुए? बड़े आए इश्क मोहब्बत रचाने वाले। वो तो हम आपकी मोहब्बत की याद ताजा कर रहे थे। भाड़ में जाए मोहब्बत, किसी और के नाम पे तुम मकान भी कर रहे हो, 21-21 जोड़े भी दे रहे हो, और तो और सोने के सर्कल दे रहे हो तुम किसी को। बेगम साहब को बता कर आती हूँ, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को है। अरे एक मिनट छन्नो, मौके से फायदा क्यों नहीं उठा रही है? जरा साहब जी की जेब पे तो टटोल लूं। आए हाय कुछ नहीं मिला। बेगम साहब जब रात में सोती है ना तो साहब जी को अच्छा झंझोड़ के झाड़ के सोती है, लेकिन ये हो क्या रहा है? अभी तेरी शुक्र बता कर आती हूँ। बेगम साहब भागने में बड़ा मजा आता है जी। अब वो भी जी कले कले ही। चल दिखा है किधर शमसुद्दीन। अरे इसकी तो बदतमीजी अब हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इसको तो मैं अभी छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरे अलावा किसी और के साथ बिस्तर में घुस के इसकी हिम्मत कैसे हुई सोने की? कितनी जुर्रत, इसको तो मैं बताती हूँ अच्छी तरह। अभी ये है कहाँ? अब तू ही यहाँ बैठी बैठी क्या करी? चल मेरे नाल। शमसुद्दीन शमसुद्दीन, अरे शमसुद्दीन उठ। हुआ, कौन है? अरे हम हैं तुम्हारी बीवी गुलबदन, उठो। क्या हुआ गुलबदन, क्यों आधी रात को जगा रहे हो हमको? यहाँ आओ बराबर में तुम भी सो। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हैं ये? देखिए बेगम साहिबा, आपने सोना है उस तरफ को, मैं सोऊंगी इस तरफ को। मैंने नहीं बीच में सोना, मुझे बड़ी शर्म आती है जी। आप बीच में सोएंगी? ओ शट अप, हद क्यों सोए यहाँ पर, बकवास करती हो। उठो यहाँ से, उठो। सोए पड़े हुए तुम, ये ऐसे नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, ढीठ बन के पड़ा रहेगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ जोरदार खान को बुला के लाओ, वो उसको उठा के ऐसा पटकेगा ना कि इसके अकल ठिकाने आएगी। अरे कमबख्त चिपक कर ही रह गया बिस्तर से, इतना तो आज तक अपने बिस्तर से नहीं चिपक कर सोया ये। अब
कसम से बेगम साहबा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं चिपकाया। अरे तू तो चिपका भी नहीं सकती, रहने दे, जिस दिन तुझसे चिपको ना तुझे दीवार से चिपका दूंगी मैं। बेगम साहबा, मुझे तो लगता है कि साहब जी ना नींद में चल के यहाँ पर आ गए। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या करिए, जाके बुला के लेके आ जोरदार खान को। अच्छा ठीक है, मैं आवाज दे देती हूँ ना। अरे जोरदार खान, ओए बेगम साहब क्या हुआ, ये क्या रंग गया, तू पकड़ा गया क्या? ओ बको मत, ये सोते में मैं चल के आके यहाँ सो गया आके। ओए क्या कमाल आदमी, नींद में भी इसका निशाना एकदम दुरुस्त पड़ता है। जोरदार खान उठाओ इस शख्स को, बहुत देर से कोशिश कर रही है, उठ के नहीं दे रहा है। ओए अभी उठाता है बेगम साहब। ओए साहब, पर एक कोपटी लड़की है। कहाँ, किधर है, किधर है लड़की? कहाँ है लड़का, कहाँ है लड़का? अरे कौन सा लड़का आ गया? हम चंदो के बिस्तर में कैसे आ गए? चंदो तुम हमको का गोद में उठा के लाइयो, सच्ची बताओ। चुप कर रहे, मैं क्यों आपको गोद में बिठा के लाऊंगी? आपको पता ही नहीं चला आप नींद में चल के मेरे बराबर में आके सो चुके थे। अच्छा, ये तो बाद में पता चलेगा कि तुम नींद में चलते हुए आए हो या वैसे ही चलते हुए आए हो। उठो चलो कमरे में उठो। यहाँ आ ही गए, थोड़ी देर सो जाते हैं ना। आओ चलो तुम भी सो जाओ। हाँ चलिए चलिए, मेरे साथ सो जाओ। हमारी नींद टूट गई, चलो हटाओ। अरे चलो अंदर कमरे में, चलो यार चलो अंदर चलो। तुम कहाँ आ रहे हो, डबल बेड है बस, चलो। हुआ गरीब का कुछ ख्याल नहीं रखते, कैसे लोग हैं, नींद में उठते चल पड़ते हैं। हाँ देखो खराब किया हुआ है। गुलबदन हमसे कसम ले लो, हम तो हार कसम खाते, हम झूठ बोलो तो हार मरा मुंह। देखो हमको बिल्कुल नहीं पता हम छन्नों के बिस्तर में कैसे पहुंच गए। अच्छा तो तुम्हें वाकई में नींद में चलने की बीमारी हो गई है? यही तो हम कह रहे हैं, हमको भी ऐसा ही लगता है, हमको बहुत डर लग रहा है। इस तरह तो हम किसी घर भी जाके कूद जाएंगे ना, मतलब कि वो बुखारी साहब का कुत्ता और इकबाल साहब की बेगम दोनों ही कट खाने, वो तो हमें काट खाएंगे अगर हम बगैर इतला के हुआ चले गए। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हाँ शमसुद्दीन, वैसे तो ये बहुत ही खतरनाक सी बीमारी हो गई है ना तुम्हें, अगर तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट्स हो गया तो? यही तो हम कह रहे हैं, हम बहुत डर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा अगर तुम्हें नींद में चलने की बीमारी इतनी ही ज्यादा हो गई है तो फिर तुम छन्नों के बिस्तर तक कैसे पहुंच गए? जोरदार खान के बिस्तर तक कैसे नहीं पहुंचे तुम? यही तो हम कह रहे हैं, तुम खाम खाम पे शक करो तो ये देखो क्या कहते हैं, हम बहुत खतरे में हैं, इसका कोई हल सोचो, कोई हमारा इलाज कराओ, एक बात हम बता दें तुमको। कुछ बदल तो आहार सुहाग खतरे में, कुछ करो ना। अच्छा हाँ सोचती हूँ, जल्दी सोचो। चलो ठीक है मैं खुद ही बना लेता हूँ। वही चन्नो, मेरे को ये हिसाब पे थोड़ा शक हो गया, मेरे को लगता है जो बीमारी इसने बनाया ना ये इसको है नहीं, इसने तंग करने के लिए बनाया है। हाय अल्लाह, हाँ है जोरदार खान, कैसी बातें कर रहे हो तुम, भला कोई आदमी अपने आप को कैसे बीमार कर सकता है? वही मैंने दो दिन पहले एक फिल्म में देखा था, एक सांप ने अपने आप को बीमार किया था जान कर ताकि वो लोगों को तंग कर सके, मेरे को लगता है ये शख्सों ने भी यही किया। हाय मैं मर गई, हूँ मैं समझी कि ये सारा का सारा नाटक है। वही तो मैं कहूँ, इतने दिनों से इसको बीमारी, कभी मेरे कमरे में आके नहीं सोए। हाँ बात तो वैसे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सरदार खान, अब मुझे ये बता के करना क्या चाहिए? ओए डरो नहीं, मेरे पास एक तरकीब है, इधर आ। ओए बेगम साहिबा, ये साहब का बीमारी तो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, आजकल तो दो तीन दफा उठने लग गया एक ही रात में। यस यस
बट थैंक गॉड कि अब इधर उधर नहीं भटकते आजकल, ओनली छन्नो के रूम्स में जा रहे हैं। आए हाय बेगम साहिबा, क्या हो गया आपको? लेकिन मेरी तो रातों की नींद खराब हो रही है ना जी। आई नो छन्नो, यू नो मैं वैसे भी इनको लेके बहुत शदीद परेशान थी, डॉक्टर को भी दिखाया बहुत सारे, बट इनकी मेडिकेशंस चल रही हैं, होपफुली सब बेटर हो जाएगा। वैसे भी मेरी नींदें जाग जाग के हराम हो गई हैं। वो बेगम साहिबा, हम तुमको एक तरकीब बताएगा, ये एक दिन में हल हो जाएगा मसला। रियली? टेल। मार तरकीब तुम बहुत दिनों के बाद जाके समझी हो। हम रोजाना तुम्हार पास आते थे और तुम उठ के चली जाती थी बिस्तर से, हमको खाम खा नींद का बहाना करना पड़ता था। इब जाके तुम्हें हमारी तरकीब समझ में आई है। तुम हमार बात सुन रही हो ना? जी जी जी। हम तुमको एक बात बताऊं, हमें कोई नींद वींद की बीमारी ना है, हैं? ये तो हम त्योहार लई बहाना करत हैं। ये हम तो असल में त्योहार बीमार हैं, बीमारे इश्क, बीमारे मोहब्बत, बीमारे उल्फत। इम अपना चांद सा मुकड़ा हमको दिखाओ ना, हमारी तरफ पलटी मार दो ना। अच्छा अम्मी जी। हाँ, क्या कहा? बीमार मोहब्बत? नहीं नहीं नहीं, इश्क के रोगी? नहीं नहीं नहीं। अरे अभी तेरी सारी बीमारियों का मैं दूर करता हूँ। हम जा रहे, हमारा टाइम हो गया। हाँ टाइम 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 हो गया। नींद का टाइम हो गया। अरे जोरदार कान पकड़ो इसे, ये फिर कहीं ना चला जाए। भगो मत और हटो मेरे सामने से। गुलबदन का है? वो तो सिर्फ नाम की गुलबदन है, असल तो आप है गुलबदन। भगो मत, शर्म लिहाज नहीं है तुम्हें बेहुदा? अरे पहले जमाने में भी मर्द इश्क करते थे। अम्मा बताती थी कि इश्क आंखों से शुरू होता था और होठों पर भी काफ़ी वक्त सर्व करते थे, फिर पलकों और रुखसारों तक आते आते आधी जिंदगी सर्फ हो जाती थी। और इसे देखो डायरेक्ट बदन पे कूद गया। नहीं नहीं नहीं, कसम से, कसम ले लीजिए, हम कहाँ कूदे, ये कूदना कूदना हमको ना ही आए हैं, ये हम तो बस फांद जावे हैं। क्या ये सारी हदें? नहीं नहीं नहीं, शराफत की नहीं, नफरत की, नफरत की हदें। नफरत के ही काबिल हो तुम लोग, इसीलिए मैं तुम सब मर्दों से नफरत करती हूँ। मर्दों से तो हम भी नफरत करें हैं, लेकिन औरतों से बहुत मोहब्बत करें हैं। तो हार और हमारा आते कितनी मिलती जुलती हैं, आइए हम भी मिल जाएं हैं। अरे औरत से मोहब्बत कर लो शमसुद्दीन, वरना इससे भी जाओगे घटिया इंसान। ठीक है, आज से हम इनको
एक ही औरत समझा करेंगे। बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? आई एम फाइन टू टू, आई एम फाइन फाइन। रक्षंदा पाइंदा ताबिंदा ताबिंदा बाद शाद बाद मंजले मुराद। नहीं मिलेगी लेकिन तुम्हें का मंजले मुराद। हमार कोई एक मंजले मुराद थोड़ी है जिस पे आप पहरा लगा देंगे। हमार मंजले मुराद तो वक्त की मुनासबत से चेंज होती रहती हैं, जैसे इस बार रक्षंदा। ओह कम ऑन रक्षी, यू आर इनसाइड इनसाइड, इसकी बातों में कौन आए। ओह कम ऑन कम ऑन, इनसाइड इनसाइड। प्लीज प्लीज, बैठो बैठो बैठो। अरे तुम्हारे शोर तो बड़े माकूल इंसान लगते हैं। हैं क्या कह रही हो रक्षी, तबीयत तो ठीक है ना? ये बात तुम कह रही हो जिसे मर्दों से इंतहाई सख्त नफरत थी? हाँ वो तो मैं कुतुबुद्दीन की वजह से कर दी थी। कुतुबुद्दीन से अम्मा ने मेरी शादी कर दी। रात को मेरी शादी हुई और सुबह दूसरी के पास मिले। मिल गए पास तुम्हें? अरे तुम्हें कैसे मिल गए? मैं तो रोज शमसुद्दीन से कह रही थी कि पास लेके आओ रमजान ट्रांसमिशन के। तुम्हें पता है दबा के नोट बांटता है वो रमजान ट्रांसमिशन का होस्ट। आधे वो खुद दबा के ले जाता होगा। अरे तुम कहाँ निकल गई, मैं उन पासों की बात नहीं कर रही हूँ। अरे तो फिर किन पासों की बात कर रही थी तुम? अरे मैं कुतुबुद्दीन की बात कर रही थी। अच्छा। रात को मेरी शादी हुई, सुबह वो दूसरी वाली के पास मिले और तीसरे दिन वो तीसरी वाली के कोठे पे। तीसरी के कोठे पे? यू मीन कोठी, बंगला? बंगला कहना चाह रही हूँ ना, बैंगलो। नहीं नहीं कोठे क्या ही कह रही हूँ, कोठे पे मिले थे। अरे वो ऐसे ही थे और चौथी वाले दिन चौथी के कलेजे में घुस गए और पांचवे दिन तलाक हो गई। कौन सी वाली को? मुझे। बस उसी दिन से मुझे मर्दों से नफरत हो गई। अरे छोड़ो यार, बस शमसुद्दीन को ना तुम कुतुबुद्दीन ही समझो। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है कि तुम्हें मर्दों से सख्त नफरत है ना, अब इस शमसुद्दीन का इलाज ना तुम ही करना और अच्छी तरह लेना उसकी खैर खबर। तुम फिक्र ही मत करो, अब तुम देखना शमसुद्दीन तो बस गया। दोस्तों तो यार तुम्हारे जैसी, तुम फिक्र नहीं करो। गुड गुड गुडनेस का वो हॉल। और ये पत्थर क्या है, ये खाने वाला नहीं है? फिर बोलता है हम पठाने। अब ये बताओ मेरे को इधर क्यों बुलाया? अब ऐसे ही बुलाया था बातें करने के लिए। इतना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तेरे से ना बातें करूं। तू तो अब जानता है कि साहब जी तब मुझसे बात भी नहीं करते हैं। अच्छा तो तुमने मेरे को स्पेयर व्हील बना दिया है? जिस दिन साहब जी तुमसे बात नहीं करेगा तो मेरे को इस्तेमाल करेगा। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहा है तू? है तू तो मेरा बड़ा चंगा बड़ा प्यारा वाला दोस्त है। मैं तो ऐसे जरा साहब जी को जरा मस्की मुस्की लगा लेती हूँ ना, ताकि कुछ पैसे वैसे बटोर सकूँ। समझा कर बात को, तू भी ना बात को लंबा ही बढ़ा लेता है। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, जब से साहब जी ने तुमसे बात करना बंद किया ना, मेरा भी वीडियो कैमरा एकदम वीरान है, ऊपर का आमद भी बंद हो गया। हाय जोरदार खान, ठीक कह रहा है, हमारी ऊपर की आमदनी खत्म हो गई है। है जोरदार खान, तू कोई तरकीब निकाल उस रक्षंदा को यहाँ से दफा करें। ओए तुम्हारे को पता है रक्षंदा को इधर क्यों बुलाया? क्यों? वो मर्दों से इतना नफरत करता है कि उसकी तरफ देखता ही नहीं है। वो मेरे को देख के पूरा घूम गया और साहब को देख के आधा घूम गया। है साहब को देख के आधा क्यों मुंह मोड़ लिया? ओए साहब आधा मर्द है ना इसलिए। हाय मैं कुछ नहीं जानती, कुछ कर जोरदार खान, रक्षंदा को इस कार से निकाल। ओए तुम कहता है तो मैं रक्षंदा बिठाए करता है। अरे कुछ नहीं होने वाला, तेरे ड्राइवर आए से वो मर्दों से नफरत करती होती है। ओए मर्दों से नफरत है ना, खानों से थोड़ी, हम तो खान है। तेरा तो खाना ही खाली है, तो कुछ नहीं कर सकता। ओए खाना खराब कौन सा खाली, खाना 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 खाली कर रही है? अरे अकल का खाना, अकल का खाना। ओए पता नहीं कौन सा खाना करती है। जा मेरे लिए कप चाय तुम ना। अच्छा ओए मैं चौकीदार है, चाय तुम्हारा काम है, चलो उठो चाय बनाओ। बना दे क्या जाएगा तेरा। ठीक है मीठा ज्यादा डाली। आइता
रफ्ता रफ्ता ऊ हमार दिल की महिमा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। आदाब अर्ज करता हूँ। खबरदार जो मेरे करीब भटके, वरना तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। ये हमारे समझ में नहीं आता, हमें यकीन नहीं आ रहा कि आपको मर्दों से इतनी नफरत काहे को है। यकीन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, एक दिन मैंने कुतुबुद्दीन का सर फाड़ा। हाय। उसके बाद मैंने उसकी टांग तोड़ी। हाय हाय। और उसके बाद मैंने उसकी गर्दन मरोड़ी। हाय हाय हाय। ईका पूरी ही गर्दन मरोड़ दी थी का? नहीं, पूरी नहीं मरोड़ी, पर आधी जरूर मरोड़ी है। अब भी वो पीछे मुड़ के देखता है तो आगे देखता है। ये मतलब बंदा ही कल्टी कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप क्या करते होंगे? वो ट्रेन चलाते हैं, अगले शीशे की तरफ पीट करके बैठते हैं ट्रेन चलाते हुए। हमें गर्दन नहीं मुड़वानी, हम तो सीधा ही सीधी गर्दन के भी बर्दाश्त नहीं होते, उल्टी करेंगे तो मनहूस ही लगेंगे। नहीं, हम बाज आए। बाज आए ना? बाज। अब छन्नों पर डोरे तो नहीं डालोगे? छन्नों कोई पतंग थोड़ी है कि हम डोरे डालें। छन्नों तो हमार कबूतरी है, हम तो गुटर गु करांगे। गर्दन मुड़वानी है क्या? अच्छा ना, ठीक है, हम वादा करते हैं आज के बाद हम छन्नों को आंख उठा के नहीं देखेंगे, सिर्फ कनखियों से देख लिया करेंगे। हमार मतलब सिर्फ आपको देखेंगे बस। मुझे? मुझे क्यों देखोगे? ऐसे माय गॉड। वैसे तुम्हारे शोर को ना मैंने बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर दिया। हाँ वाकई रक्षंदा, मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा। यू नो मॉर्निंग से ही ना नजरें झुका झुका के सीधा सीधा बेचारा चला जा रहा था, एंड यू नो आईज ओपन करके मुझे देख ही नहीं रहा है। अरे भाई, मैंने उसे डरा जो दिया, मैंने उसे कह दिया कि मैं गर्दन तोड़ देती हूँ। बस तुम मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, फिर तुम देखना मैं इसको बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर दूंगी। ओ माय स्वीटी माय स्वीट हार्ट, तुम एक दिन क्या, तुम 10 डेज ले लो। नहीं नहीं, 10 डेज की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए एक दिन का ही काम, मेरा मतलब है कि एक दिन ही बहुत है। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ, एक और पिक्चर बना लो। हाँ, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। अब बैटरी लो कर आ रहा है सिग्नल, अपना मोबाइल ऑन करना। शमसुद्दीन को प्लीज सीधा किए भूलना मत। तुम फिक्र नहीं करो, मूड मत खराब कर दे। मैंने गुलबदन से एक दिन का वक्त मांगा है और मैंने कहा है कि एक दिन में ही काम पूरा हो जाएगा। काम तो समझे पूरा हो गया। एक बात कहें, हम इस फूल को तोहार जुल्फों की जीनत बनाना चाहते हैं, इजाजत है? हम आपको एक बात बताएं, वैसे गुलबदन को भी आपने ना ओके की रिपोर्ट दी है, हमने छन्नों को देखना ही छोड़ दिया है। जब से आप आई हैं ना, बस आपको ही देखा था, आपको देखने से फुर्सत ही ना ही मिली कि किसी और को देखें। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, वो गुलबदन खामखा आप पे ना शक करती रहती है। वैसे आप तो बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान है, बहुत हमदर्द है। नेक, बहुत नेक। कौन नेक इंसान है यहाँ पर, जरा मुझे भी तो पता चले। वो मैं तो जूता चुपाई खेल रही थी शमसु भाई के साथ। अरे भाई, ये तो सालियों का हक होता है ना। साली आती घर वाली। जूता छुपाई खेल रही थी ना तुम अपने भैया के साथ। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि जूता छुपाई खेलते कैसे हैं। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब, जब ये जूता तुम्हारी कमर पे पड़ेगा ना, फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि ये होता कैसा है। वो भाई, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? ये शमसु भाई ने मुझे पटाया, मैं तो सीधी सादी थी, मैं तो पट गई ना। हमने ना ही पटाया, हम तो खुद पटे पटाए हैं, तुम तो जानती हो हमको। हाँ, एक मैं ही जानती हूँ, पूरी दुनिया के अलावा है सारी औरतें सिर्फ तुम्हें जानती है, एक मैं ही नहीं जानती। पहले तुम दोनों ने आपस में एक दूसरे को पटाया, अब बेटा तुम दोनों मेरी इस चप्पल से पटोगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से हमारा जानू है अदब
कौन तय करना चाह रहा है। हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट व्हाट? अब इतनी मुश्किल चीज़ तो आई डोंट नो कौन तय करेगा। हाँ बट इस घर के चादर तकिए बिस्तर वगैरह सब छन्नो ही तय करती है मॉर्निंग मॉर्निंग। दीदी हमारा मतलब है कौन हमारे फन की बारिश में धुल के खुद को निखारना चाह रहा है। हेलो एक्सक्यूज मी, हु आर यू? आर यू क्लासिकल चीटर और धोबी? कभी तय करने की बात करते हैं, कभी धुलने की बात करते हैं। हु आर यू?